ये देखिए मैंने अब ये छोटे छोटे साइज की दो रोटियां बना ली हैं। अब एक रोटी के ऊपर मैंने ऑयल लगाया है, देसी घी आपने लगाना है तो देसी घी लगा ले। अब ये दूसरी रोटी को मैं इसके ऊपर रखूंगी, साइडों से इसको दबा लेना है अच्छी तरह। अब हमने इसको बेल के और पतला करना है, आपको जितना पतला करेंगे उतना ही क्रिस्पी पराठा बनेगा। अब ये मैंने रोटी को तवे पे डाल दी है, जब ये पक जाएगी तो फिर मैं इसके ऊपर ऑयल डाल के इसको पलट दूंगी। ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल रेडी हो गया। इसके हमने दो रोटियां बनाई थी तो ये देखें, अब आप इसको जब खाएंगे तो ये इस तरह इसके बल जो हैं सारे बल खुलते जाएंगे। ये देखें ये हमारा पराठा रेडी हो गया। ये देखें ये इस तरह से इसके बल खुल जाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी पराठा है।